नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद कौशिक, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति में बीजेपी है और आज यहां पर जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका। हमेशा पूरे हरियाणा में अब कल का सर्वे टीवी ने दिखाया कि 83 इकल्ले भाजपा एबीपी न्यूज पे जारी है। जो एबीपी न्यूज कभी भाजपा को आगे नहीं दिखाता था वो हरियाणा में 83 दिखा रहा है। एक तरफा माहौल है। अब की बार 5 की 5 सीटें जींद जिले में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में जारी है और बड़े मार्जिन से जीतने के लिए। सफीदों से क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी? सफीदों में हम 35 से 45 हज़ार के मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक तरफा जीत है, बाकी सबके पास दिखावा है, हमारे पास वोट है। कांग्रेस ने बैक टू बैक 2 रैलियां की, कामयाब रैली कुमारी शैलजा आई हैं, दीपेंद्र हुड्डा आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनकी बहुमत उनके साथ है, लोगों की समर्थन उनके साथ है तो वो जीत रहे हैं। यहाँ से रैली किसी जीत का परिमाप नहीं होता। रैली के लिए कुछ परसेंट लोग बने होते हैं, वो हर किसी में आते हैं, इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं, परंतु जो गांव-गांव में हम जा रहे हैं, जो एक बाजू पकड़ पकड़ के प्रत्याशी को या भाजपा नेताओं को धक्के से ले जाके और चाय पिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।